गर्भपात की दवा खिलाकर मेरी बेटी को मारा, मरने से पहले लव जिहाद पीड़िता का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। साक्षी मर्डर केस के बाद देश में लव जिहाद को लेकर एक बार फिर माहौल गर्म हो गया है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का है। यहां पर अंबेडकर आवास मेडिकल कॉलेज के पास किराए के मकान में रहने वाली युवती की रिम्स अस्पताल बिलासपुर में 8 मार्च को इलाज के दौरान संदिग्ध मौत हो गई थी। युवती लिविंग रिलेशन में रह रही थी, जिसकी मौत के बाद परिवार वालों ने लव जिहाद का मामला बताया है। इस संबंध में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इस बीच मृतका के मरने से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मृतका कह रही है कि इसने मेरी बेटी को मार दिया। उन्होंने कहा है कि देश के दानिश के साथ रहने के साथ एक बेबी हुआ था, जो सिर्फ 2 दिन ही मेरे साथ रहा। फिर तीसरे दिन हम घर जा रहे थे तो मेरे को बता दिया था कि इसको दे दूंगा। मैं हॉस्पिटल में थी तो उन लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट मेरे से साइन करवाए थे और बेबी उसी रात को दे दिया। मैं बहुत रोई थी, लेकिन एक बार भी उसने नहीं बोला कि बेबी को कल लाकर दे दूंगा या तुम्हारे साथ रखूंगा। देखिए वीडियो। सर, मैं एक कन्फ्यूजन और करना चाहूंगी। उसके साथ रहते रहते मेरा एक बेबी था, वो भी 2 दिन ही मेरे साथ रहा था। फिर तीसरे दिन हम लोग घर जा रहे थे, वो मेरे को बता दिया था उसको दे दूंगा, लेकिन तब भी बोलता था चल नहीं देंगे, तेरे साथ में रखेंगे घर के। और मैं हॉस्पिटल में ही थी तो मेरे से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने साइन करवाए थे, और सर वो बेबी उसी रात को दे दिया। तो बहुत रोई थी सर, चिल्ला चिल्ला के, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोला कि कल ला के दे दूंगा और तुम्हारे साथ रखूंगा। सर कभी नहीं बोला। एक रूम में मेरे को ताला लगा के जाता था सर। सीजर में मेरी बीबी हुई थी, उसको एक बार भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया सर, बल्कि आगे मैं ये बोलती थी कि तुम बच्ची हो, कब लेके आओगे, जल्दी ले आओ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो बेबी को दे दिए ना, और कितने बार लाएंगी। फिर एक दिन ये भी बोला सर, क्या तेरी बेबी का जलसा हो रहा है, तू भी दारू भी बैठ कर करके। और दूसरी बात ये सर, मैं गरांत लड़की हूँ सर, मेरे रियल पेरेंट्स नहीं है, ये लोग मुझे रियल पेरेंट्स से भी बढ़ कर प्यार दिए, आज भी मेरा सपोर्ट करते हैं सर। और प्लस ये भी कि मैं इतनी गलतियों करने के बाद भी मेरे पेरेंट्स आज मेरे साथ सपोर्ट है। मम्मी नहीं है सर मेरी, भाभी, पापा और भैया है, बस इसके अलावा कोई नहीं है सर। प्लीज़ सर मेरे को जितना हो सके उतना उस लड़के से दूर करें। बीच में ही कॉल करके परेशान किया था, दूसरे दूसरे लड़कों को मारता था, उन्हें मेरे को फ़ोन करके बोलते थे तेरा दानिश भरमता है तेरे लिए। सर ये मेरी लाइफ में कुछ भी करूँ, दाई सब भी मेरे पीछे पड़ा है, प्लीज़ सर उसको मना कर दीजिए। मेरे आगे पीछे कोई नहीं सिवाय मेरे जवान फैमिली के।